हेलो फ्रेंड्स, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन करियर क्लस्टर में हमने ऑलरेडी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मर्चेंट नेवी, कमर्शियल पायलट एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बारे में डिस्कशन कर लिया है। सो आज के इस वीडियो में हम करियर इन एविएशन मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इन केस आपको एयरपोर्ट्स एंड एयरलाइंस वाली लाइफ अट्रैक्टिव लगती है तो एविएशन मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कि एविएशन मैनेजमेंट में वर्क प्रोफाइल्स कैसे होते हैं, इस फील्ड में जाने के लिए कौन सा एजुकेशन रूट्स सही रहता है, सैलरी एक्सपेक्टेशंस कैसी रहती है, कौन सी कंपनीज इस फील्ड में रिक्रूटमेंट करती है, इस वर्क प्रोफाइल के लिए कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए एंड फाइनली एविएशन इंडस्ट्री में डिमांड एंड सप्लाई कैसा है एंड इसमें फ्यूचर में आउटलुक कैसा है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एविएशन मैनेजमेंट में एयरपोर्ट ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड एयरलाइन ऑपरेशन मैनेजमेंट दोनों आ जाते हैं। एविएशन ग्राउंड स्टाफ रूटीन ऑपरेशंस मैनेज करते हैं लाइक ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गोस, एविएशन सेफ्टी, फ्लीट मैनेजमेंट, फ्यूलिंग मैनेजमेंट एंड अदर इश्यूज रिलेटेड टू द एविएशन इंडस्ट्री। तो एविएशन मैनेजमेंट में काफी सारे वर्क प्रोफाइल्स आ जाते हैं। तो इफ आई मेंशन फ्यू ऑफ देम, इसमें आ जाते हैं एयरपोर्ट ऑपरेशन मैनेजर, कार्गो ऑपरेशन मैनेजर, फ्लाइट फॉलोअर, एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोलर्स, एयरपोर्ट मैनेजर्स, वी हैव एयरपोर्ट प्लानर्स, एयरपोर्ट डायरेक्टर्स, एयरपोर्ट सिक्योरिटी मैनेजर्स एक्सेट्रा। तो अगर मैं बेसिक वर्क प्रोफाइल की बात करूँ तो बेसिकली एविएशन मैनेजर एविएशन डिपार्टमेंट की सारे ऑपरेशंस मैनेज करता है। तो डे टू डे ऑपरेशंस लाइक मैनेजिंग द क्रू, एयरक्राफ्ट स्केड्यूलिंग, सुपरवाइजिंग एयरफील्ड एक्टिविटीज एंड कोऑर्डिनेटिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन द एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एंड द मेंटेनेंस पर्सनल एंड इसके अलावा स्टाफ को ट्रेनिंग देना, ये सारे काम एविएशन मैनेजर्स के होते हैं। तो अगर आपको एविएशन मैनेजमेंट को विजुअली एक्सपीरियंस करना है सो आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड यू शुड वॉच मूवीज लाइक अमेलिया, द टर्मिनल, फ्लाइट एक्सेट्रा। तो अगर मैं स्टडी रूट्स की बात करूँ तो आप आफ्टर ट्वेल्थ BBA या डिप्लोमा इन एविएशन मैनेजमेंट करने के बाद MBA इन एविएशन मैनेजमेंट कर सकते हैं, एल्स आफ्टर ट्वेल्थ कोई भी ग्रेजुएशन करके MBA इन एविएशन मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो यू कैन ऑप्ट फॉर कॉलेजेस लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड एविएशन मैनेजमेंट, नेशनल कॉलेज ऑफ एविएशन, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज देहरादून, कॉलेजेस लाइक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट एंड देर आर मेनी मोर अदर कॉलेजेस। एविएशन मैनेजमेंट में काफी सारे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी अवेलेबल है लाइक बिजनेस डेवलपमेंट, एयरपोर्ट ऑपरेशन मैनेजमेंट, टिकटिंग एंड पैसेंजर सर्विसेज, वी हैव लॉयल्टी प्रोग्राम मैनेजमेंट, फ्यूलिंग मैनेजमेंट, फ्लाइट एनालिसिस, वी हैव कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी, एयरलाइन एयरपोर्ट रेवेन्यू फोरकास्टिंग, एयरलाइन सेफ्टी इंस्पेक्टर्स एंड मेनी मोर। तो अगर मैं सैलरी एंड प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो काफी सारे एयरलाइन कंपनीज, एयरपोर्ट अथॉरिटी, कार्गो फ्लाइट सर्विस कंपनीज इस फील्ड में हायरिंग करते हैं लाइक यूनाइटेड एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस, एमेजॉन लॉजिस्टिक डिविजन, बर्मिंगम एयरपोर्ट अथॉरिटी, ब्रिटिश एयरवेज, DRDO, फेडरल एविएशन एडमिन, देन फेडिक्स भी हायरिंग करता है, फ्लाइट सेफ्टी इंटरनेशनल, दीज आर द फ्यू कंपनीज। अगर मैं स्टार्टिंग सैलरी की बात करूँ सो ग्रेजुएट की स्टार्टिंग सैलरी 3 से 4 लाख पर एनम है, MBA ग्रेजुएट्स की स्टार्टिंग सैलरी 7 लाख पर एनम की होती है जो एक्सपीरियंस के साथ बढ़ता ही जाता है। तो विद एक्सपीरियंस बैंड ऑफ 8 to 10 years आपकी सैलरी 15 से 20 लाख पर एनम की हो जाती है। तो एविएशन सेक्टर का पूरा मार्केट आउटलुक एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट मैंने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वाले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, सो यू कैन रेफर दैट वीडियो फॉर योर इन डेप्थ एनालिसिस। So this was all about career in aviation management. I hope आपको ये video informative लगा होगा। तो हमारे channel का यही purpose है to create awareness related to careers. And अगर आप मेरे काम को support करते हो तो इस channel को subscribe करें and bell icon दबा दें ताकि ऐसी informative videos की notification आपको फिर मिले। हम फिर मिलेंगे with a new video. Thank you so much.